नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्ति चैनल दोलगोविंद कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। पूर्ववर्ती पर्याय मानंकरे वृंदावन यात्रा रे प्रभुंकर वृंदावन रे विभिन्न लीला संपर्क रे आपण माने श्रवण करिसंती। ए पावन अवसर रे आपण माने भक्ति रसात्मक भगवान कर लीला को श्रवण करी मन मध्यरे भक्तिर प्लावन सृष्टि करिवा पई चेष्टा करिसंती। आज श्रवण करिवा भगवान कर काली दलन लीला। भगवान कर समस्त को बद्ध कले, बकासुर बद्ध, पुतना बद्ध, अघासुर बद्ध, शकटासुर बद्ध, किंतु काली को भगवान कहीं दलन कले ताकू तो बद्ध कले ना। कहीं ना मन भितर जिते बड़े विष रहे से विष को उत्पाटन करवा हुए। आम जिते बड़े साप को धरुचे ता भितर विष को आम छिंडे आणुचे बा तार विषर ग्रंथि को आम छिंडे दौचे। से भगवान देखिले ये कालिया भितर जो विष अच्छी से विष को उत्पाटन करवाक खाली विष को टिके उत्पाटन करदे ये कालियर बंचिवार अधिकार अच्छे। से भगवान कालिया को बद्ध कले ना बर कालिया को दलन कले। सबुबले वृंदावन रे भगवान कर सांग माने तांकर साथी माने जेते बड़े खेलंती सबुबले कालिया ह्रद पाख को जीवा को समस्ते डरंती। काहेकि ना समस्ते कहंती ए सांग साथी माने भगवान कर साथी सहचरी माने कहंती ए कालिया ह्रद रे गोटे कालिया विषधर नाग अछि जहाँ पाखे कि एते विष जे ए ह्रदटा पूरा विषमय हो जाइछि। कहिले दर्शक बंधु जहाँ भितर विष थाए तार विषर प्लावन रे ए समग्र संसारटा विषमय हो जाए। ठीक जमती कालिय ह्रदरे विष सब संचरित करके रखिता एत विष सब ता भितर भरी रही जे कई मध्य से कालिय ह्रद निकट को जानते ना। गरुड़ पक्षी राजडरे कालिय अछि कालिंदीरे ताहार विषे जलनाश जंतु न करती ग्रास। वृंदावन रे जेते जीव जंतु अच्छा कई कालिया ह्रद पाख को जानते ना कि तार पानी को मध्य स्पर्श करते ना। भगवान जेते बड़े जानिले एत बड़ा ह्रद एत पा से संचरित कर रखी किंतु ये पा कि काम लगुनि जो वस्तु कौन सी कार्य लगे ना तार जीवन सार्थक हुए ना। मनीष जदि तार जीवन भितर कौन सी कार्य लगला ना तो तार मनीष जन्म सार्थक हुए ना। पाटे जदि कौन काम न लगला तेल तार जीवन सार्थक हुए ना। भगवान कहते जे एपरी एत सुंदर ह्रद टीए किंतु तार पानी कहार काम लगुनि तेणु कौन कर प्रभु। भगवान जेते बड़े तांकर सांग मानते खेलुं बल टीए धरी बल खेलु खेलु ए कालिया ह्रद भितर बल पड़ जाए। सांग मैंने कहते आरे कनई जा ना से ह्रद भितर को अच्छे से विराट गोटे नाग तते गिली देव जशोदा माँ कौन कह आम सांगे तू आसीचु खेलवापी किंतु कनईर कि भय जी परमेश्वर परमात्मा भगवान जी स्वयं विष्णुंर अवतार ताकू कालियर विषकोण डर पार बल्टी खोजापी भगवान छोट श्रीकृष्ण भगवान पशिंट कालिया ह्रद भितर समस्ते बारण करुंग कांदुंट आरे कनई पलया आरे कनई पलया जा ना से ह्रद भितर को विष ग्रंथि सब खोली देती कालिया समस्त विषमय हो जाए। कौन देखुं ना देखुं बल्टी भासी भासी जाऊँगी श्रीकृष्ण कनई छोट बाड़मुकुंद भगवान ता बल पछे गोड़े गोड़े पशिंट से कालिया ह्रद भितर कालिया ह्रद में पशिला बेले खाली बल नुहे देखुं ह्रद भितर गोटे कमल फुलटे फुटी गोटे पद्म फुलटे फुटी कौन कर श्रीकृष्ण भगवान ना कनई को भारी फुल रसिके आसी जेकोसी फुलता को लगे देवे माँ जामुर फुल हो कियार फुल हो केतकीर फुल हो कि कौन से वन्यजात फुल हो फुल प्रिय रसिक प्रिय बिल माँ जिते बड़े जाती गाई चरवाई फुल टिके आनी तार मुंडे खुशी दिखती कहीं ना फुल
ଫୁଲ ଶୃଙ୍ଗାର ରସିକ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୋର କହ୍ନେଇ। ତେଣୁ କହ୍ନେଇ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଛି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହାତରେ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାତଟି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ସହିତ, ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। କାରଣ ପଦ୍ମର ଯେମିତି କମନୀୟ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କମନୀୟ। ପଦ୍ମ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଜି ସେହିପରି ପଦ୍ମଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତୋଳି ଦେଖିଛନ୍ତି କାଳିଆ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ଦୁଇଟି ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। କମଳ ନୟନ କମଳ କରରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସଧୀରେ, କାଳ ଫଣି ଆସି ଦଂଶିଲା କମଳ, ଦଂଶିଲା କମଳ ପାଦରେ। କାଳ ଫଣି କ'ଣ କରିଛି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସେଠି ବିରାଟ ଆକାରରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହୋଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ହ୍ରଦ ଭିତରେ। କମଳ ନୟନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନୟନ ହେଉଛି କମଳ, କମଳ କରରେ ଅର୍ଥାତ୍ କମଳ ରୂପକ କର ଓଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କମଳ ଫୁଲଟିକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ବେଳେ କାଳିଆ ସାପ ନାଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ପଶିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାଳିଆ ସେତେବେଳେ ଦଂଶନ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ କହ୍ନେଇକୁ ସେ କମଳ ତୋଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ତା'ର ଅଙ୍ଗକୁ ଆବଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ନା କାଳିଆର ଯେତିକି ତା'ର ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ତାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କାଳିଆ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ତଥାପି ମନରେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ମନ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଲାବଣ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆକୁ ଦଳନ କରିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହସୁଛନ୍ତି, କଂସର କାରାଗାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହସୁଛନ୍ତି, ପୁତନାକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ଦୁଗ୍ଧପାନ କଲାବେଳେ ବିଷପାନ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହସୁଛନ୍ତି। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବଦନକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦନକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ହସିବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, କ୍ଲବ୍ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ହାସ୍ୟ ବଦନଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ, ମୋ ଆଖି ଭିତରେ ପୁରୀ ହୋଇକି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ହସିବାର କାହାକୁ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହସୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଆବଳିରେ ସବୁ ଛନ୍ଦି ଦେଉଛି। ଛନ୍ଦି ଦେଲାବେଳେ ସେ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ରମେ ଅଙ୍ଗକୁ ଛନ୍ଦିଲା କାଳନ୍ଦୀରେ, ଛନ୍ଦିଲା କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଛନ୍ଦିଲା ଛନ୍ଦିଲା ଅଙ୍ଗ ଆବଳିରେ, ଦେଖିଲେ ଲାଗଇ ଭ୍ରମରେ। ଭ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁ ଯେଉଁଠି କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ଆରେ କିଏ କାଳିଅ କିଏ କହ୍ନେଇ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ, କହ୍ନେଇକି ଆଜି ଆବଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି କାଳିଅ ନାଗ, ତା'ର ଯେତିକି ବିରାଟ କାୟ ଶରୀର ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି କହ୍ନେଇଙ୍କୁ, କହ୍ନେଇ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କହ୍ନେଇ ଫେରିଆ ଫେରିଆ, ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କହିକି ଆଣିଥିଲୁ, କ'ଣ ଯାଇ ଜବାବ ଦେବୁ, ମା ଚାହିଁ ବସିଥିବ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ। ସେଇ ତ ହେଉଛି ମା, ଯିଏ ତା'ର ପିଲାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ, ଯିଏ ତା'ର ପିଲାର ବାଟକୁ ଅନେଇଥାଏ, ମୋ ପିଲା କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସିବ, ମୋତେ ମା ଟିକେ ଡାକିବ, ମୁଁ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ମା, ଯିଏ ରାଶି ରାଶି ଦୁଃଖ ପିଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପିଲା ପାଇଁ ସୁଖର କାମନା କରେ, ଯିଏ ରାଶି ରାଶି ଦୁଃଖ ପିଇ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜ ଜଳେ, ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଥାଉ, ମୋ ପିଲା ଭଲରେ ଥାଉ। ଆଜି ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଥିମାନେ, କହ୍ନେଇ ତୁ ପଳେଆ, କେମିତି ଆସିବୁ, କାଳିଆ ତତେ ଆଜି ତା'ର ଆବଳିରେ ଛନ୍ଦି ଦେଲାଣି, କେମିତି ତୁ ଆସିବୁ। ମନରେ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବନା, ତଥାପି ଭଗବାନ ହସୁଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଉପରେ ଭଗବାନ ଆଜି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଆବଳି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା କାଳିଆ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କିଏ ଅଛି ଆଉ କାହାର। ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାପ ଯେମିତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ମଣିଷ ସେମିତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ।
जेउति पई कुआ जाय छि पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। से पूर्ण ठाकुर आज समस्त कालियर छंद आवली को फिटेई दे कालियर फणा उपरे ठिया होती आपण दर्शन करंतु प्रभुंकर से भावमूर्ति को कालियर फणा उपरे प्रभु नटनागर प्रभु गोड़ को छंदी से श्रीकृष्ण कन्हई भगवान ठिया होती तार मथा उपरे पाद थापी ठिया होती जेते बेले कालिया को आज आघात लगुच एत विराट सर्प किंतु भगवान कर से जो ओजन को सी सही पारना एत विराट देखा जामें विराट मो भितर पांडित्यता को सूचाई दूँ मुझे जड़े पंडित मो भितर ज्ञानी को नहीं मु अभिमान करुच्ची मो भितर ज्ञान को नहीं मु अभिमान करुच्ची मुझे जड़े ज्ञानी मो भितर सौंदर्य को नहीं अभिमान करुच्ची मुझे जड़े सुंदरी किंतु प्रभु पाखे सबकि हूँ छोट कारण तुम बड़ी ज्ञानी कई नाता बड़ी सुंदर कई ना भक्ति भावनार बांधार जो क्षमता तुम बड़ी अधिक आकार ना तेणु कालिया एत बड़ नाग एत विराट तार शरीर किंतु प्रभु छोटिया पादटी जिते बड़े तार मथा उपरे रखिंट प्रभु कालिया ओजन भार को संभाली पारना तार देहरे थिबा रक्त गुड़िक सब स्रवि जाउचंती कालिया हृदय मिसी जाउचंती कालियार एपरी अवस्था देखी नागपत्री माने समस्त आसी दंडायमान होइचंती हाथ जोड़े प्रार्थना करुचंती हे प्रभु आमर स्वामी को छाड़ी दियंतु स्वामी नथिबा स्त्रीर अवस्था कौन जानती स्वामी परा होउची स्त्रीर मुकुट सदृश स्वामी रूपक मुकुट जेतेबेले स्त्रीर मुंड उपर झड़ी जाए सेतेबेले स्त्री हो जाए गोटे सम्राट विहीन साम्राज्ञी तापाखे आउ किछि नथाय आपण आमर स्वामी को छाड़ी दियंतु भगवान कन्हई टिके टिके हसुचंती आरे कालियो मु तते आज कौन सी स्त्रीर आखिरे क्रंदन मु देखि पारे ना कार आखिरे लुह मु देखि पारे ना से दिन जेतेबेले इंद्रजितंकर स्त्री जाइथिले प्रभु श्री रामंक पाखरे इंद्रजितंकर कटा मुंडटी हाथरे धरी जाइछंती प्रभुंक ए कटा मुंड रहिछि प्रभुंक पाखरे इंद्रजितंकर स्त्री जाइछंती सुलोचना प्रभुंक पाखरु मागी आनिबे कटा मुंड तांकर स्वामींकर जाइछंती शत्रु भाव अपन्न हे किंतु जेतेबेले श्री रामंक देखिछंती तांकर जयगान करुछंती तांकर स्तुति करुछंती हे प्रभु आपणंक ठारु वरी अधिक श्यामळ सुंदर केइ नाहंती सेतेबेले सुलोचनांकर आखिरे लुह देखी भगवान मध्य तरली जाइथिले कहिथिले कोनसी नारीर आखिरे लुह मु देखि पारेनी जेउति पई कहिथिले जदि चाहुचु देहु जिहाई तब पति आजु जदि तू चाहिचु आजि तोर पति को मु जिहाई देबी तो हातरे पुणी तो पति को अर्पण करिवि किंतु सुलोचना से दिन कहिथिले प्रभु जे पति मोर परम गति को लाभ होइचंती आपणकर सानिध्य पई तांकु मु आउ नेबा को इच्छा करुनाय प्रत्येक स्त्रीर लक्ष्य होउची तार स्वामी केमती मोक्ष लाभ करू परम गति को प्राप्त हो आज से हीपरी मध्य नागपत्नी माने जेतेबेले क्रंदन रता प्रभुंकर मनरे मध्य क्षमा देवार जो अभिप्राय प्रभु तो क्षमामय ठाकुर ना आम भूल कले बारंबार बारंबार भूल करुचे किंतु प्रभु आमको क्षमा चक्री क्षमा देपर आज कालिया को क्षमा देरे कालिया आज पर्यंत तु कालिया हृदय पाणी को कई पीवाई सक्षम होना तोर विष ज्वर आज समस्ते ये भयभीत यही ह्रद पाख को कई आसुना आज ठार मुझे कहूँ तु रम्यक द्वीप को पढ़ा जो द्वीप को गले सेठी तू आनंद रहिबो सेठी गरुड़ राजा अछंती तांको पाखरे तू रहिबो तेणु जेते दिन पर्यंत आमर इंद्रिय गुड़ाक बासन परिपूर्ण होइतिबे सेते दिन पर्यंत आमे रम्यक वन को जाई परबा नाही तेणु इंद्रिय रूपक बासन को जेते बेले कालिय ताठारो प्रभु हरण करिनेले जेते बेले कालिय को दहन कला बेले ता भितरे थिबा विष ग्रंथि सब उत्पीटन होइगला सेते बेले कालिय क्षमा प्राप्ति हेला आउ से रम्यक वन को जीवापाई चेष्टा कला तेणु ये हूँ प्रभुंकर कालिया दलन लीला जोटि प्रभु दंड दे पारती पुणे दंड देवा परिवर्ते मध्य क्षमा मध्य दे पारती ये हूँ कालिया दलन लीलार प्रभुंकर महिमा प्रभु जाइले तो सेठी से दिन कालिया को दलन कलापर ताक मृत्युदंड पारिथांते से जो आज पर्यंत वृंदावन में गोटे क्षमता को विस्तार कर रखिता जो कि मृत्युदंड से पारिथांते कि चाहे
चाहिनाति प्रभु ता प्रभु चाहिचंते जदि किए कौन भूल करिचे जदि का भितर कौन पापरूपक विष अछि जदि से ग्रंथि को सी चाहि कि उत्पीड़न करि परिला ताले से मध्य ए संसार रे जीवा पाए तार मध्य क्षमता अछि तो मो भितर थिबा जति के पाप ग्रंथि सब से भगवान कर नाम गुण श्रवण रे से ग्रंथि सब मूलोत्पाटन हो जाऊ एहि हेउछि काली अदलन प्रसंगर मार्मिक कथन जो कथा को श्रवण कले मो भितर थिबा आम मानक भितर थिबा विष ग्रंथि पाप रूपक विष सब भगवान कर से स्पर्श रे भगवान कर लीला गुण रे भगवान कर सत्संग को श्रवण करे मो भितर थिबा विष सब मूलोत्पाटन हो जाऊ जेउति पाइ पुरा कुआ जाइछि बिनु सत संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संग बिना भगवान कर नाम कीर्तन बिना भगवान कर गुण श्रवण बिना भगवान कर लीला दर्शन बिना ए सत्संग बिना विवेक केवे उद्रेक हेब ना आ विवेक उद्रेक नहले मो मन भितर थिबा इंद्रिय वासना सब बले एमती प्रज्वलित होउतिबे ए इंद्रिय वासना द्वारा मु घारी होई जाउतिबे मो जीवन को मु सार्थक करबा को केबे हेले सार्थक करि परिबे नाही तनु जते दिन पर्यंत इंद्रिय वासना रूपक ए पकिल पंकिल पापमय ए प्रकार विष ग्रंथि भितर मु जळी जाउतिबे सेते दिन पर्यंत मु रम्यक वन को जीवापी बा भगवान कर संस्पर्श को पाइबापी भगवान कर सानिध्य को पाइबापी मु सक्षम हो पारे ना आज कालिया परी विराट नाग जार एते बड़ शरीर एते बड़ ता पाखे पराक्रम तथापि से आज निस्व दरिद्र तेणु भगवान कर साहाज्य पाखरे के आउ अधिक बड़ हो पारे भगवान कर जो उपलब्धि पाखरे आउ दुनिया रे एमिति किछि वस्तु अछि जे कि ताठु बड़ी अधिक बड़ हेतिबो कालिय परी विराट सर्प विराट नाग किंतु ता भितरे विराट भावना आज क्षिप्र हो जाइछि ता भितरे विराट भावना आज सरी जाइछि ह्रद कूल रे थिबा समस्तक भितरे भाळेनि पड़िछि केमिति आसीबे प्रभु सेटु पुनि फेरिक कन्है भगवान हातरे बंशीटे धरी भगवान बंशी अति प्रिय से पाखर केवेले छाड़ती ना तेणु तो पाखरे हाथ में खोसी बंशीटे बंशी बादन करपर दंडायमान होती नागपत्नी मैंने प्रार्थना करुंच कालिया ह्रद भितर कमल गुड़िक जो प्रस्फुटित होता सी सबू कमल नयन में भगवान को दर्शन करने सते जमती आचंबित होनेई एई प्रकार परिवेश काली ह्रद रे वृंदावन जात्रा रे प्रभुंकर ए विभिन्न प्रकार लीला जेउटी कि काली रूपक विष को जदि आम मन भितर आम उत्पाटन न करिबा से विष ग्रंथि जेते दिन पर्यंत आम भितर थिबो आमे केबे हेले भगवान कर स्पर्श पाई परिबा नाही कि भगवान को आमे अवलोकन करि परिबा नाही समस्त गोपा गोपांगना माने गोपबालक माने काली ह्रद रे आज क्रंदन करुछन के कहचंदी कनै तू फेरिया मु भगवान के पाखरे केते कोन पूजा अर्चना करिवे कनै तू फेरिया केमती काली ठारो आउ के कहचंदी मु पूरा तांक संगरे केमती खेलुथिले केमती बोलुथिले विभिन्न लीला रे शामिल होतिले भगवान जदि सेठुआ जे न आसीबे कनै ताले आमे केमती रहिबा तांक भितरे चिंता पड़ी जाउछे मां जशोदा को पाखु खबर गला मां जशोदा नंद राजा उपनंद समस्त आज आसुचंती दौड़ी दौड़ी पहुँची चंती काली ह्रद कूल रे मो पुअर कौन हैला माँ टी मन पूरा विकल हो जाए पिला जदि तार के विपदर सम्मुखीन हुए माँ अंटा भिड़ी आसे से विपद प्रभु मते पछे दे दियो किंतु मो पिला सेमती भलरे था मोर आखि आगे माँ जशोदा मुंड पिटी कांदुचंती मुंड पिटी काली ह्रद कूल रे जे तू केमिति गलु सेठी क्यों निज को धिक्कार करुचंती बारंबार बारंबार मो पुओ परे एमिति विपद आसुची अथच माँ हो मो किछि करि पारुनि गोपांगना माने मुंड पिटी कांदुचंती काली ह्रद कूल रे कि बोलई बिहिकि करुथिला के बोलई मोते अंध करिथिला
केहू गोपिका पूरी बोलाई बोले से भी था कालिंकी नहीं। क्यों गोपिका कहुची हे प्रभु आज मु काली को सेवा करी आज थिबा वृंदावन रे समस्त देवादेवी चरण रे मु मोर प्रार्थना जनइबि किए कहुची से पूरा आम को मो कंठर मरकत माली हुई कि थिला किए कहुची से पूरा अंधकार रे अंधर लौड़ी हुई कि थिला किए कहुची से पूरा आम पई एई परे गोटे गोपर लक्ष्मी रूपक थिला गोपरे लक्ष्मी जेमती आज सते जेमती काली हृदय रे पसी आइछंती किए कहुची मो ठाकुर मु पूजा करी कन्हई केमती मोर शीघ्र फेरी आसु माँ जशोदा मुंड पिटी कांदुचंती स्मित हास्य हसुचंती प्रभु काहीकि ना समस्त को कहुचंती आज हे नागपत्नी माने जीवन रे आउ केबे हेले निजर कौनसी प्रकार प्रभुत्व को नहीं का उपरे विस्तार करने को लगे ना मो भितर जदि किसी शक्ति अच्छी से शक्ति को अन्य मानकर साहाज्य लगेबी किंतु से शक्ति को अन्य मानकु भय संकुल करिवारे लगेबे ना। तेणु हे नागपत्नी माने तुम आज कालिया को नहीं जा रम्यक द्वीपर से बास कर जोटि की लोक मानकर कौन से आवश्यकता रे तुम आसब ना कि लोक मानकर जनसेवे लगुवा ए पानी आज ठारू कालिया ह्रदर पानी स्वच्छ हेब आ पानी ए समस्त वृक्ष लता वन पहाड़ समस्त को स्पर्श कर वृंदावन में समस्त लोक मैंने से पानी को लाभ करेंगे आई जल को पान करने सक्षम हे कुर्तरे दर्शक बंधु भितर विष को जिते बड़ पर्यंत आम उत्कीर्ण न करीचे ताले मनीष जीवन केवे सार्थक हो पारना ए गोटे गोटे प्रसंग कहार तात्पर्य हो प्रसंग केवल गल्प नुहे आ भितर प्रकृत मार्मिक जो मर्म को जदि आम हृदय स्पर्श कर पारा कालिया भितर विष थिला बोली प्रभु तार कालिय विष को दहन कले किंतु आम भितर विष ना आम भितर कौन पाप ना आम भितर कौन पंकलतापूर्ण जीवन ना से जीवन रु बाहर मत कौन करने को पड़ो ना मो इंद्रिय गुड़िक जिते बड़ पर्यंत विषयाशक्त होते बड़े पर्यंत मो भितर विषग्रंथि सब पूरी रही जिते बड़े मो इंद्रिय मान विषय को छाड़ी भोजन को छाड़ी भजन को लगे करने को लगे जिते बड़े मो इंद्रिय गुड़िक विषय को छाड़ी से परममय भगवान को पाख को जीवापी इच्छा करेंगे सेते बड़े मो भितर विष ग्रंथि गुड़िक सब उत्पीड़न होमती कालिया विष ग्रंथि को उत्पीड़न करते भगवान स्पर्श पाई भगवान सानिध्य पाई तेणु प्रत्येक दिन मो भितर समग्र विष ग्रंथि को मुझे उत्पीड़न करी काम ना भगवान गुण कीर्तन कर भगवान लीला को श्रवण कर भगवान विभिन्न प्रकार नाम कीर्तन कर मो भितर समस्त प्रकार विष ग्रंथि को मु उत्पीड़न करे मु भगवान सानिध्य पाइबापी योग्य मन है जहाँफल मुझे आग को आसुवा दोल गोविंद जो बाळमुकुंद भगवान दोलरे आसवे दोल गोविंद बाबा भाव मु दर्शन करने सक्षम हो पारे जो भगवान निजे अवतरी निजे आसी भक्त मान हृदय प्रेम भाव को स्थापन करने आई आसी ना भारानी बारे नरहरी मनुष्य देहे अवतरी दुष्ट निवारी संथ पाली दया सागर वनमाली से वनमाली होती दयार सागर जो दयार सागर रे प्रभु आम मानक उपरे सब बड़े से दया सागर वर्षा होता से दया सागर वर्षा रे आपण मानक भीतर थिबा विष ज्वाला सब उत्पीड़न हो जाऊ जेमती कालियर होता। दर्शक बंधु एवं तो समय है पुणी परवर्त अध्याय भगवान विभिन्न लीला सहित नहीं आपण मान सहित साक्षात होब से पर्यटन विदाय दिंतु। नमस्कार दर्शक बंधु।